तो लो जी, आज देखो सच बताऊं, सुबह से उन पेड़ पौधों में लगे थे, सबको इधर उधर कर दिया, फिर नीचे मिट्टी वगैरह कचरा कचरा वगैरह हो जाता है, उस पूरे को साफ किया है, तो फोन उठाया है अभी, नहा धो के पूजा वगैरह करके खाना वाना खाने के टाइम पे, वो देखो दीपक चल रहा है अभी भी, और अभी खा लेते हैं खाना। और श्रीमती जी देखो आजकल तो रोज ही साड़ी पहनने लग गई है भाई। रोज साड़ी की बात नहीं है, मेरे ना डस्ट एलर्जी है, तो उसकी वजह से ना छींक पे छींक बहुत डस्ट ज्यादा आती है। डस्ट ये किसको बोलती है पता है इनकी लैंग्वेज में, मतलब आदमी को, आदमी की हाँ एलर्जी, दोगी एलर्जी है तो वही बात है। आ जाओ खा लो खाना, क्या बना खाने में दिखाता हूँ आपको। और सबकी रक्षाबंधन कैसी गुजरी बताना जी, शायद सब मजे से रहे होंगे, खूब इंजॉय किया होगा, खूब मिठाई शिठाई खाई होंगी। अब खा बात लेते हैं कर रहे थे अपनी तो जीरो लिया हूं ना एक सब्जी बार। पूरी, खा लेते हैं। जीरा लेके आता हूँ मैं, क्योंकि जीरा नहीं लेके गई श्रीमती जी, भूल गई थी, और मैं जीरा जरूर डाल के खाता हूँ छाछ में। देखो इतना ही बचा, आज ये नहीं खाएगी, मैं ही खाऊंगा। तो चलो लो जी, पापड़ की बनाइए सब्जी, क्योंकि सिवान सुबह ही कह रहा था अपनी मम्मी को कि मम्मी पापड़ की सब्जी कब बनाओगे, हरी मिर्च नमक और ये छाछ, क्योंकि आज मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि यार आज लेट हो गए बहुत ज़्यादा काम करते करते, सिवान और नैनी का स्कूल का टाइम हो रहा है, थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं फिर खाना खा के बच्चों को लेने जाएंगे। तो चलो आ जाओ खाना खाओ। ये देखो नैनी नैनी की मम्मी के बीच में खींचड़ी पक रही है पता नहीं क्या, और ये देखो जी ये कह रहे मम्मी 15 अगस्त से काम निकलेगा, अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, कृष्ण जी भी बनाना पड़ेगा। सही बात है। फिर आधा मीटर में वो बना देता, 2 मीटर ले लेता है। हाँ क्या ले रहे हो रे, के लिए है अभी बेटा, लेकिन ये चलेगी कैसे, इसमें बैग चलता है। देख वो ले लिए नैनी ने, बाद में रोएगा तो। ये लो जी अभी चलते हैं बाजार, और बाजार से लेके आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया सामान, जिसकी बहुत सारे कमेंट भी आ लिए हैं कि शर्मा जी ये काम कर लो ये कर लो ये कर लो, कुछ तो कमेंट डालिए थे, और कुछ वैसे उसके बजाय भी बहुत दिन से सोच रहे थे कि ये काम कर लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा फुर्सत मिला है, हाथ थोड़ा सा सही हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं है? अभी मैं जाता हूँ, जाके जब आऊँगा मार्केट में वैसे आप समझ जाओगे, बाकी और मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा आराम से आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा और सही भी होगा अपने लिए, वैसे बहुत सारे कमेंट आए भी थे। तो चलो अब मतलब चलते मत देना हैं, बताने के काम कर रहा हूँ मैं, आप देख इतनी लियो सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज। इतना गुस्से मनाया करो, 24 घंटे गुस्सा नाक पे क्या बैठा रहे बात देखा रहे। बोलू ना, इरिटेट कर दो तुम। हाँ इरिटेट कर दो अभी आपने, बेरो आपने कह रहा है कि भाई अभी नहीं बतानी, कोई भी चीज है अभी नहीं बतानी, आज शाम को पता लग जाएगा, अभी मैं मार्केट जाके तो आता अभी हूँ, मेरे को तो बता सकते हो, मेरे को नहीं बताओगे। अभी आता हूँ फिर देखना क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलो अभी जाके आता हूँ मैं, क्योंकि कल सुबह आने वाले हैं कोई काम पे, तो वो क्या क्या होगा, बस शाम को भी एक बंदा आएगा। चलो देखो जी अभी अभी मार्केट से आया हूँ, और मार्केट से आया हूँ तो आपको सबको पता है कि अभी मानसून का समय चल रहा है, और मानसून के जो नमी के कारण जो है ना अपने फेस पे स्किन पे बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है, और एकदम चिपचिपा सा हो जाता है पूरा फेस, तो उस सब चीज़ों के लिए अगर अपने को अच्छा सा मॉइस्चराइजर मिल जाता है ना, तो उससे क्या अपन फेस को अगर करेंगे तो अपने जो इसके मानसून की नमी के कारण जो चेहरे पे नमी ऑयल आती है, ऑयल आता ऑयल है, आता है ना, ऑयल आता है, उससे ना डिब्बे भर लिया करो। उससे डिब्बे छोड़ो, तो उससे क्या कि वो ऑयल एकदम ख़त्म हो जाता है और अपनी स्किन बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर, जो कि अभी आपके साथ शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, अभी देखते जाओ क्या दिखा रहा हूँ। तो पेश है मम्मा अर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर और टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। विटामिन सी मॉइस्चराइजर हल्दी के अच्छाइयों के साथ तैयार किया गया है, जो हमारी स्किन की रिंकल्स को कम करता है और हमारी स्किन की
प्राकृतिक बनाए रखता है। ऑयल फ्री होने के कारण विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को ऑयली नहीं दिखाता, इसलिए हम डेली यूज में इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह पैराबीन और हानिकारक रसायनों से मुक्त है। हम टी ट्री ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के साथ में अपनी स्किन को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। यह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट बना करके रखता है। अगर आप भी यह प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 20% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। मम्मा अर्थ के सभी प्रोडक्ट अमेजोन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ मम्मा अर्थ की वेबसाइट और मम्मा अर्थ की ऑफिशियल ऐप पर भी सभी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। आप जब भी मम्मा अर्थ से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक कर दिया जाता है और उसके नाम से वह एक प्लांट लगाते हैं। 2025 तक मम्मा अर्थ ने 1 मिलियन प्लांट लगाने का लक्ष्य लिया है। मम्मा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे ज़्यादा रिसाइकल करता है। वह 1 महीने में 240 MT तक प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं। तो जी, मम्मा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप दोनों का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और मेरा कूपन कोड स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और सभी प्रोडक्ट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देरी किस बात की, करो जल्दी से ऑर्डर। तो जी, आपको बताऊं, एक बार तो आज के दिन में 2 बार मार्केट जाना हुआ, क्योंकि पहले तो नैने और शिवांश को जब स्कूल से लेके आए थे तो इनके मैम ने पहले तो नहीं बताया था। अभी 15 अगस्त वाला जो प्रोग्राम होंगे उनके अंदर जो ड्रेस डिसाइड की है उन लोगों ने, वो ड्रेस उन्होंने बाद में बताई थी। तो जहाँ इस गए थे, इसको जहाँ मिलती हैं, वो भी बोले भाई इस तरीके से अलग अलग 2 जोड़े खरीदोगे तब एक ड्रेस बनेगी, सच बता रहा हूँ, उसने यही कहा। तो हमने कहा चल ठीक रहने दे। फिर जाके एक दुकान से हमने कपड़ा लिया तो वो दुकान वाला भी यही कह रहा था कि भाई और भी उस स्कूल के बहुत सारे पेरेंट्स अभी कपड़े लेके गए हैं, यहीं से सिलाई ही करवानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा लेट डिसाइड हुआ था उनका ड्रेस वगैरह का। और उसके बाद में आप देख रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरी बात ये बताता हूँ कि ये अभी मटका लेके आया हूँ कोई पड़ोसी के यहाँ से, उनके पास में रखा हुआ था बहुत पुराना कली किया हुआ, तो ये मटका लेके आया, लेकिन इसमें अंदर वो बहुत ज़्यादा काला काला वो जम गया था ना, मतलब मिट्टी जमा हो गई थी। और ये देखो, ये कली का पैकेट है जो कि मैंने 15-20 दिन पहले ला के रख दिया था और आज भी लेके आया हूँ और जो सामान इसके अंदर लगेगा। तो मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास, मैंने अभी कमेंट रीड किया था, उनको जवाब भी मैंने नहीं दिया है अभी, वैसे कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था रात में भी, तो वो कह रहे थे कि शर्मा जी ऐसा मत कुछ मत कर लेना कि हम परेशान हो जाएं, आप दोनों झगड़ लो कहीं। तो जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, और अभी होने वाला है यही काम कली वाला। तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं था क्योंकि भिगोने वाला काम कभी मैंने किया ही नहीं यार घर पे, जैसे भैया होते थे घर पे की हुई है कली, ऐसी कोई बात नहीं है मेरी, लेकिन ये भिगोने वाला ये काम मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि भैया जो हैं राखी के पापा वो कर लेते थे अपने आप, और चलो भाई वो भीगने के बाद में तैयार करके नील वगैरह जो डाल के सब कुछ उसके बाद में कहते थे चलो करो, तो वो कर लेते थे। रेनू बोली मेरे को पता है सब कुछ, मैं भिगो दूंगी। मैं बोला ठीक है चलो। तो ये कड़ी क्या 10-15 दिन की होगी ना, इसलिए थोड़ी ज़्यादा पतली पतली हो गई थी ये। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कली कहाँ होने वाली है। जो अपना नीचे का घर है जिसको बेसमेंट बोलते हैं, लेकिन वैसे बेसमेंट है नहीं वो, क्योंकि ज़मीन से 7 फुट ऊपर है और 2-2.5 फुट नीचे है, क्योंकि यहाँ पे भराव बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था उस टाइम पे, भैया लोगों ने, पापा ने, कि उसको ज़मीन में 3 फुट खोद के फिर 0.5 फुट का वो लेंटर वगैरह डल जाता है नीचे, और फिर उसके ऊपर मकान उठाए थे। अब आगे आने वाले टाइम में अगर चारों तरफ हो जाएंगे मकान वगैरह तब जाके ये बेसमेंट बनेगा, नहीं तो अभी तो बाहर का, ये जो अपना सीढ़ियाँ दिखती है ना बैठक के बाहर जो साइड में सीढ़ी दिखती हैं, वो बेसमेंट की छत है ये समझ लो। और वैसे वहाँ तक भराव होगा जिस तरीके से साइड के जो मकान बनते हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि करनी भी हमें है, तो अभी हाँ साथ लगूंगा मैं, थोड़ी बहुत रेनू भी मेरी हेल्प करेगी। और वैसे मैंने 2 आदमियों को कर रखा है कली करने के लिए, लेकिन वो आज का जो दिन अभी चल रहा है इस दिन में आने वाले थे लेकिन नहीं आए हैं वो, कल आएंगे दोबारा, तो देखते हैं। तो जी 10 बज गए हैं और 10 बजे तक
जिनको बोला था मैंने कली करने के लिए, कली तो भिगो दी थी, वो आए नहीं। अब क्या करें, फ़ोन किया है तो बोले भाई आज तो नहीं आ पाएंगे, थोड़ा काम हो गया। उसकी सासू माँ आ गई थी सच में, वो ये यही बोला वो, बोले मेरे सासू माँ आ गई थी। मैं बोला ठीक है भाई, सासू माँ आई थी, मैं भी एक दिन घूमने गया था, आप भी जाओ जो करना है। बोलो कल आऊँगा। मैं बोलो ठीक है भाई। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे वो लोग ज़्यादा अच्छे से मिला देंगे, उसको तैयार कर देंगे, उसके बाद कर लेंगे। सामने वाला जो पोर्शन आप लोग कहते हो ना किसको खुद ही कर लो, तो ये मैं खुद ही कर लूँगा, उनसे नहीं करवाएंगे, उनसे नीचे नीचे का जो काम है वो कर लेंगे। बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप देखते जाना, कोई खास टेंशन नहीं है। बहुत जल्दी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा घर बन जाएगा अपना, सपनों का घर। क्या बोलते हैं उसको, पकाओ मन्ना ही बिरन्ना। गाना क्या, कौन सा वो, ओ सपनों के सौदागर एक सपना है। आप तो पागल हो, स्वर्ग से सुंदर ऐसे गाना हो। चलो ठीक है छोड़ो, तो चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे पूरा, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। तब तक सब अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय।